नमस्कार। चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। ठीक है, चैप्टर का नाम है पत्ते ही पत्ते। हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास फर्स्ट की हिंदी की बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है पत्ते ही पत्ते। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक आम की कहानी थी, जिसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। वो आप खुद भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं लगा। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम पत्ते ही पत्ते है। ये है कि एक ये पोएम की तरह है, जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी बोली, जो दीदी हैं इनकी कोई दीदी होंगी इसमें देखते हैं। ठीक है, वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं, मैं 5 तक गिनूंगी। दीदी कहती हैं मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। ठीक है, तो दीदी बोलती हैं कि मैं 5 तक काउंट करने जा रही हूँ, लेकिन गिनती ख़त्म होने से पहले, मतलब शुरू होने से पहले, आप लोग ऐसे एक गोला बनाकर बैठ जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी। जो बच्ची है वो कहानी, जो बच्ची बता रही है वो कह रही है कि 5 बोलने से पहले, मतलब दीदी जब तक 5 बोलती हैं उससे पहले ही बच्ची दौड़ी, पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई और कहीं बैठ गई। ठीक है, उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। ठीक है, दीदी के गिनती पूरा करते ही सभी बच्चे गोला बनाकर बैठ गए थे। देखिए ये रहा गोला, ऐसे ये गोला बन गया। ठीक है, फिर आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। दीदी ने क्या किया था, पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते, ढेर सारे पत्ते लाई थी और वो कई तरह के थे। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, मतलब जो बच्चे थे उन सभी ने पत्तों को बहुत अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ पत्ते जो क्या थे, लंबे थे। ठीक है, जैसे ये पत्ता हो गया, ठीक है, ये क्या है, लंबा है। कुछ तो कुछ गोल थे, ये गोल है। ठीक, एकदम गोल, मतलब एकदम गोल थे। कुछ छोटे, ये छोटे, कुछ बड़े थे और कुछ क्या थे, बड़े भी थे। ठीक है, जैसे ये गोल वाला बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। एक था लाल, उसमें एक ये लाल था। एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। कत्थई बोलते हैं डार्क रेड को। ठीक है, तो एक क्या था, पीला था और कत्थई कलर का कंबाइन था। ठीक, एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। नसें मतलब जो ये है बना हुआ ऐसे ऐसे, इनको नसें बोल रखा है इसमें, तो इसमें क्या नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। ठीक है, मतलब कांटे टाइप में देख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या कतरीला था। ठीक, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ता जो था उसका डंठल बिल्कुल स्ट्रेट था ऐसे। एक पत्ता झालर वाला था, ये पत्ता झालर वाला है। ठीक, हमने पत्तों को छूकर देखा। फिर बच्चों ने पत्तों को क्या किया, छू करके देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, तो कोई क्या था, एक तरफ से ऐसे मुलायम था एकदम बिल्कुल प्लेन, तो दूसरी तरफ खुदरा, लेकिन इसी का उल्टा साइज खुदरा था। ठीक, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। ठीक है, जैसे ये, ठीक, बंधनवार। अब करने की बारी, बगीचे में जाओ, आपको क्या करना है, बगीचे में जाना है, पत्ते देखो, पत्तों को देखना है, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, उन्हें हाथ लगाना है कैसा लगा और बताना है कैसा लगा, आपस में बात करिए। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियाँ इकट्ठा करिए, इन पत्तियों को कागज़ पर चिपकाइए, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाइए। ये जगह दे रखा है, ठीक है। इसमें ये टीचर्स के लिए है कि बच्चों को तरह तरह के पत्ते इकट्ठा करने और चिपकाने को कहें। ठीक है, उनमें एक दूसरे के लिए पत्ता देखने को कहें। ठीक है, उनसे एक दूसरे के लाए पत्ते, मतलब जो बच्चे क्लास में लाएंगे तो सभी एक ही पत्ते तो लाएंगे नहीं, कोई अलग पत्ता लाएगा, कोई कुछ पत्ता लाएगा। पत्ते कहाँ से लाए गए, किसके पत्ते मिलते जुलते हैं, इस पर बातचीत करें। ठीक, पत्ते का पटाखा, ये है पत्ते का पटाखा बनाने सिखा रहा है। सामान में क्या चाहिए, एक बस पत्ता चाहिए। बनाने का तरीका क्या है, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। ठीक है, जैसे ये है, ये पूरी मुट्ठी बंद नहीं है, बीच में इसके छेद होगा। ठीक है, ये इस तरह की मुट्ठी बनी हुई ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बनी हुई ऐसे, और बीच में ये क्या है, इसमें होल है। ठीक, अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करें, ये दूसरे वाले हाथ से इस पर मारना है, तुम्हें गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी और आपका बन गया पत्ते का पटाखा। ठीक है, जानिए पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली से
छेद बना दो, ठीक है। जब आप इसमें रख रहे हैं तो इस साइड में, यहाँ पे एक मिनट, इसमें क्या कह रहा है कि जब आप पत्ते को इस पे रख रहे हैं तो ये कह रहा है कि अंगुली से, मतलब हथेली से इसको मारने के बजाय इसमें छेद कर दें, ठीक है। अब हाथ से वार करें और फिर इस तरह से मारें, ठीक है। क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई? तो नहीं आएगी आवाज़, नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पहले से ही छेद हो गया, फट गया। इसमें कुछ देर रखा है ये बच्चे, भीड़ भाड़ का जगह, देखते हैं क्या है। बच्चों से बातचीत करें, इस समय स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, स्कूल के बाहर कौन सी गाड़ियां हैं, बच्चे घर कैसे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पापा के साथ जा रहे हैं, ठीक है, कुछ मामा, कुछ की मामा लेने आई, कुछ रिक्शा से जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक। कुछ देखिए सेल्फ अपने खुद के साइकिल से आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ है। ये स्लोगन लिखा हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राथमिक विद्यालय। घर कैसे जाओगे, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप घर कैसे जाते हैं। तो आप जैसे भी जाते हैं, अगर रिक्शा जाते हैं तो रिक्शा से, साइकिल जाते हैं तो साइकिल लिख दीजिए, कोई आता है तो उसके साथ लिख दीजिए। जैसे अगर किसी की मम्मी आती है लेने तो आप लिख सकते हैं कि माँ के साथ, डन। तुमने इनमें से किन की सवारी की है, सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाइए। रिक्शा, रिक्शा में अगर जो बैठा होगा वो मैंने सवारी की है सही लगाएगा, और मैंने सवारी नहीं की है तो गलत, अगर नहीं किया है तो। बस में अगर कोई बैठा है तो सही, नहीं बैठा है तो गलत, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। भैंस पे बैठे हैं कि नहीं तो नहीं, ठीक, दोनों में नहीं, सॉरी, दोनों में नहीं भरना है आपको। अगर किया है तो भरना है, नहीं किया है तो गलत करना है। जैसे रिक्शा में अगर आपने सवारी किया है तो ट्रिक मार देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रिक मार देंगे, ठीक। और बस में अगर सवारी नहीं किया है तो ऐसे ट्रिक मार देंगे कि नहीं किया है, ठीक है। रेलगाड़ी में सवारी अगर किया है तो सही और नहीं किया है तो गलत, ठीक है। मान लीजिए रेलगाड़ी में नहीं किया, बैलगाड़ी पे किया है कि नहीं तो बैलगाड़ी पे भी नहीं किया है, साइकिल पे तो किया है तो ऐसे ट्रिक मार देंगे, ऊँट पे, ऊँट पे नहीं किया है और अगर किया है तो सही लगा दीजिएगा, स्कूटर पे पापा के साथ हाँ, भैंस पे तो नहीं है तो इसमें लगा, ठीक। ये है, तुम कैसे जाते हो दादी के घर, आप कैसे जाते हैं। तो मान लीजिए दादी का घर थोड़ी पास में ही है या दूर है, दूर है, मान लीजिए दूर है, तो आप कैसे जाएंगे, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से। सिनेमा देखने, स्कूटर से, ठीक है, ये पापा का स्कूटर, इससे। तो क्या करेंगे आप, इसमें स्कूटर लिख देंगे। फिर स्कूल कैसे जाते हैं, तो मम्मी के साथ, ठीक है, माँ के। और बाजार करने कैसे जाते हैं, तो साइकिल से या पापा के स्कूटर से, जो भी, ये आप खुद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। सवारी, टिकट लगेगा, जैसे मान लीजिए अगर आप रेलगाड़ी में बैठते हैं तो टिकट लगेगा, या सिर्फ पैसे बाई हैंड लगेंगे, मतलब हाथ से पैसा, या फ्री में। तो आप देखिए रेलगाड़ी भी जाएंगे तो टिकट लगेगा, ठीक है, पैसे तो लगेंगे लेकिन पैसे का आप टिकट लेंगे और उसी टिकट से जाएंगे, ठीक है, तो ये काट दीजिए, ठीक है। फिर भैंस, या कुछ मत करिए इसको, इस कालम को ऐसे फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है, डैश कर दीजिए ऐसे, डैश सही रहेगा, ये डैश हो जाएगा, ठीक। फिर भैंस, भैंस पे क्या लगता है, ना टिकट लगेगा ना पैसा लगेगा, ये मुफ्त हो जाएगा, ठीक। रिक्शा पे, रिक्शे से अगर आप जाते हैं तो टिकट लगेगा, नहीं टिकट नहीं लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है, टिकट मतलब रिक्शे वाले को आप सीधे हाथ से पैसा देते हैं, मुफ्त में नहीं जाएंगे। साइकिल पे, साइकिल पे क्या लगता है, टिकट, नहीं टिकट नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, और आप खुद के, आपके घर के है तो आप फ्री में जाएंगे, मुफ्त में। ऊँट पे, ऊँट पे टिकट नहीं लगता है, अगर ऊँट घूमने आया तो आप पैसे से, ठीक है, पैसा लगेगा या फ्री में। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पे भी पैसा लगता है सीधे, ना टिकट लगेगा ना फ्री में जाएंगे, बस में टिकट लगेगा, ठीक है। और फिर पैसा, पैसे वाला कालम फ्री छोड़ देते हैं और इसे भी मुफ्त में नहीं। गोदी बिल्कुल मुफ्त होती है, माँ की गोद, ठीक है, मम्मा की जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो सभी फ्री होती हैं बच्चा, इसलिए कद्र किया करिए, मम्मा से लड़ाई मत किया करिए, मम्मा की बातों को माना करिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं ये गांव का कुछ दृश्य है, इसमें सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए ये कोई औरत है, इस पे चढ़ी हुई हैं,
और ये देखिए ट्रैक्टर है, यहाँ पे धान की रुपाई हो रही है, यहाँ गट्ठर में कोयले जा रहा है, ये बैल है, ये चारा लेके जा रही हैं, ये किसान फौड़ा लेके जा रहे हैं, ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, ये कुत्ता है, ठीक। यहाँ देखिए ये पानी चलाया जा रहा है, भर रही हैं, ये औरत पानी लेके जा रही है, ट्रैक्टर से जा रहे हैं कहीं। ये देखिए अपने गाय को ग्रेजिंग करा रहे हैं, मतलब चरा रहे हैं। ये देखिए खेत में कुछ किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। बच्चों से बातचीत करें, यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको बताना है कि आपको रास्ते में। ये देखिए ये बनाया जाता है इसलिए, कोई भूत वूत नहीं है, इससे डरना नहीं है, ये सिर्फ ऐसे इसलिए बनाया जाता है ताकि खेत में जानवर ना आए, ठीक है, या जानवर नुकसान ना करें, दूर से उन्हें लगेगा कि कोई आदमी खड़ा है और वो भाग जाते हैं, ठीक है। ये देखिए कटाई हो रही है, ठीक है, फसल की, ठीक। नीचे क्या है, ऊपर क्या है, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली जमीन के नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों का चित्र बनाओ, ठीक है, जैसे गन्ना कहाँ है, जमीन के ऊपर उगता है, ठीक है। तो ये सपोज़ कर लीजिए ये गन्ना है, ऐसे ये गन्ना है, ठीक है, ये उसके पत्ते हैं, ये गन्ना है, ठीक है। उसके बाद मूली है, फिर आप आलू का पेड़ बना सकते हैं, ठीक है, वो नीचे बैठता है, ठीक है, आलू नीचे होता है, ओके, यहाँ आलू बना सकते हैं। फिर आप और भी कुछ ले लीजिए, जैसे क्या बोलते हैं कि धान ले लीजिए या गेहूं का पौधा ले लीजिए, तो वो ज़मीन के ऊपर होते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ गन्ना है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर है, ठीक। क्या है, बच्चों से ज़मीन के नीचे और ऊपर उगने वाली चीज़ों का नाम पूछें, आपको बताना है ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ों को ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में और ऊपर उगने वाली चीज़ों को ऊपर वाले हिस्से में बनवाएं। मतलब जैसे ये ज़मीन का हिस्सा है तो आपको क्या करना है बुक में, कि जो नीचे होती हैं, ठीक है, जैसे मूली, तो मूली को आपको ऐसे नीचे बनाना है, ठीक है। सपोज़ ये मूली है, थोड़ी मूली अच्छी बन गई, रुक जाइए फिर से बनाते हैं। ये समझ लीजिए कि ये मूली है, ठीक है, ये मूली है, ठीक, ये गन्ना हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है, और आप भी बताइए कौन कौन सी चीज़ें ज़मीन के ऊपर होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़मीन के नीचे, आप नाम कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो ऐसे पूछ नहीं सकता। बूझो मेरा रंग, बैगन किस रंग का है, वाह, ठीक है, लाल, हरा, बैगनी, तो बैगन किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है, ठीक है। धनिया किस कलर की होती है, ऐसे लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए लाल कौन कौन सा कलर होता है, टमाटर, ठीक है, टमाटर लाल होता है, ठीक है। खीरा कैसा होता है, हरा होता है, धनिया हरा होती है, ठीक है। फिर क्या है, प्याज, प्याज कैसा होता है, प्याज बैंगनी कलर में आएगा, ठीक है। आलू कैसा होता है, आलू को आप पीले में डाल सकते हैं, ठीक है। बैंगन बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। मूंगफली पीले रंग की होती है, मकई पीले रंग का होता है, ठीक है। पालक हरे रंग की होती है, गाजर पीले रंग का होता है, ठीक है। धान हरे रंग का होता है, ठीक है, धान हरे रंग, बोड़ा भी हरा होता है, ठीक है। अदरक पीले रंग की कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। हार्ट का खेल, जाओ मिठाई खाओ, ठीक है, पासा, ये कोई खेल है, ठीक है, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बच्चों से बातचीत करें, पासा बच्चों से बनवाएं, माचिस की इसे छोड़ दीजिए, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।